हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको अनकवर करने जा रहा हूँ बेसिक नोट काउंटिंग मशीन और एडवांस मिक्स नोट वैल्यू काउंटिंग मशीन। ठीक है, दोनों मशीनों को हम अनकवर करके देखेंगे क्या क्या फंक्शन है दोनों में। सिमिलरिटी की बात करें तो दोनों मशीनों की काउंटिंग स्पीड सेम है, 1000 नोट पर मिनट। ठीक, एंड होपर कैपेसिटी, स्टेकर कैपेसिटी 200 से 250 नोट सेम है। ठीक है, 250 नोट नए वाले और पुराने नोट 200, इस हिसाब से इनकी कैपेसिटी है। मतलब थोड़ा बहुत कम ज़्यादा नोट आ सकते हैं, 220, 250, 300 अगर नए पुराने मिक्स हैं। ठीक है, तो अभी हम बेसिक मशीन का देखते हैं। बेसिक मशीन में क्या है, आपका पीसीस में काउंट करेगा, ठीक, और फेक नोट डिटेक्शन करेगा। ये ऑटोमेटिक मोड में ही मशीन मिलती है, जो रेगुलर यूजर्स यूज़ करते हैं। नोट डालते ही आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, 100 पीसेस काउंट करके दिखा देगा। बेसिक सेंसर मिलते हैं MG और UV, इनके जरिए आपका नकली नोट डिटेक्ट होता है। किस तरीके से, ये हमने इसके लिए नकली नोट ले लिया। अब इसको काउंट करते हैं, ठीक। इस तरीके से आपका मशीन नकली नोट आने पर रुक जाएगा, लगातार बीप दे रहा है, फेक की लाइट आपको इंडिकेट कर रही है और ये एक्टिवेट हो जाती है जैसे नकली नोट आता है। आपका स्टेकर में जो लास्ट नोट होगा वो नकली होगा, उसको आप निकाल सकते हैं। उसके बाद काउंटिंग को कंप्लीट करने के लिए रिसेट को प्रेस करेंगे, ठीक। टोटल आपको देखिए 101 पीस बता रहा है, क्योंकि बिल काउंटर है, बेसिक मशीन है, तो ये नकली नोट को भी गिनती में लेता है। 100 नोट इसने काउंट किए, असली वाले और एक नकली वाला। जो एडवांस मशीनें होती हैं वो नकली नोट को गिनती में नहीं लेती, जैसे मिक्स नोट वाली ये मशीन है। ठीक है, इसमें दोबारा से इसमें आपको रीचेक करना पड़ेगा नकली नोट निकालने के बाद। तो अभी हमने नकली नोट निकाल दिया, 100 ये काउंटिंग करके बता देगा, तो ये आपके हो गए रियल 100 नोट। अब इसके बाद इसमें मिलता है बैच का फंक्शन। बैच क्या है, बंडल बनाने के काम आता है। तो 100 नोट का बंडल बनता है, तो मैं अभी मेरे पास 20 के 100 ही नोट है, तो मैं ये 50 नोट 100 के भी मिला देता हूँ। ये पीसेस में काउंट करता है तो सिर्फ पीस की गिनती बताएगी। 100 नोट काउंट करने के बाद मशीन स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि 100 का बैच इसमें सेट है। तो 20 के 100 नोट थे वो काउंट करने के बाद मशीन रुक गई, बाकी बचे हुए नोट आपके 100 के। ठीक, नोट हमेशा बराबर करके सेंटर में डालिए, मेरा एक नोट पीछे रह गया था तो इसलिए काउंटिंग देर से करी। तो इस तरीके से इसमें आप बैच बना सकते हैं 100 नोट का। अब मान लीजिए हमें अदर अमाउंट का बैच बनाना है, इसमें से मुझे 25 नोट निकालने हैं, तो मैं बैच को दोबारा प्रेस करूँगा तो 50 का बैच आ जाएगा, 20 का आ जाएगा, ठीक है, 10 का आ जाएगा। 25 का बैच बनाना है तो हम 20 पे जाएंगे, उसके बाद प्लस माइनस से 25 चूज कर लेंगे। अब मैं 100 नोट इंसर्ट करूँगा तो काउंट करेगा 25 ही, ठीक है। जब इसको हटा लूँगा तो अगले 25 काउंट करेगा। इस तरीके से आप नोट छाँट सकते हैं कि 30 नोट निकालने हैं, 40 नोट निकालने हैं बंडल में से, ठीक है, तो आप उतने निकाल सकते हैं। अब आते हैं बैच को, करते हैं क्लोज। बैच हो गया हमारा क्लोज, ऐड से ऐड एक्टिवेट किया। ऐड में क्या, आप लगातार सम करते जा सकते हैं। 4 डिजिट का डिस्प्ले आता है यहाँ, तो 9999 रुपये तक आप लगातार काउंटिंग कर सकते हैं। बोला जाए तो 10,000 तक, मतलब एक नोट ही कम रहता। 100 नोट काउंट किए, दोबारा मैं इंसर्ट करूँगा तो 101 से आपकी गिनती शुरू होगी। एक बार और काउंट करके दिखा देता हूँ तो 300 हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से आप लगातार काउंटिंग कर सकते हैं। अब करते हैं ऐड को क्लोज और हिस्ट्री क्लियर। अब मान लीजिए कई बार होता है, सिचुएशन होती है, स्पॉइल नोट आ जाते हैं, जिनके डिटेक्शन फीचर्स, जो सिक्योरिटी फीचर होते हैं, मिटे होते हैं, ख़राब होते हैं, हमें उनको भी काउंट करना है, तो मशीन बार बार रोके ना, तो आप इसके सेंसर बंद कर सकते हैं। यहाँ से आपको फंक्शन की से पहले MG2 पे जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो MG बंद हो जाएगा। UV से आपका UV डायरेक्ट बंद हो जाएगा। आप देखिए नकली नोट को भी गिनती मिलेगी, कहीं रोकेगी नहीं, ठीक है। काउंटिंग 101 पीस दिखा दिया, ठीक है। अब लेकिन नकली नोट रोकना है तो आपको फंक्शन की से MG1 ऑन होना चाहिए और UV से UV ऑन होना चाहिए। MG2 फॉरेन करेंसी के लिए होता है, तो अभी आपके पास इंडियन करेंसी है तो MG1 पे रखेंगे। अब हम इसमें डालते हैं तो नकली नोट जैसे ही आएगा मशीन रुक जाएगी इस तरीके से, ठीक है, और काउंटिंग कंप्लीट करेंगे। 101 पीस दिखाएगा क्योंकि गिनती में लेता है नकली नोट को, जो भी पीस इसके अंदर से गुजरेगा, तो इसमें हमेशा रिसेट कर लें। ये हो गया हमारे बेसिक मशीन के सारे फंक्शन क्लियर। अब आते हैं मिक्स नोट काउंटिंग में क्या क्या ऑप्शन मिलता है आपको, उसके लिए हम थोड़ा जूम करते हैं। देखिए अभी इसमें हम मिक्स नोट काउंट करेंगे, मैंने 20 का नोट ले लिया, 100
फिर 100 के भी नोट ले ली, 50 नोट ले लिए, 20 का नकली भी ले लिया। अब इसमें सारे नोट एक साथ डालूंगा तो ये टोटल नोटों की वैल्यू बता देगी, कौन टोटल पीसीस कितने वो बता देगी, कौन सा नोट कितनी क्वांटिटी में ऊपर आ जाएगा और नकली नोट को भी रोक देगी। तो इसमें नकली नोट भी मिला दिया है और 150 नोट है, और ये मशीन नकली नोट को गिनती में नहीं लेती क्योंकि एडवांस मशीन है, वैल्यू काउंटर है। देखिए नकली नोट आते ही आपका मशीन रुक गया, स्क्रीन पे आप मैसेज देख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे आप देखेंगे अलार्म लाइट दी गई है, स्पेशल एवी ब्लिंक कर रही है, मशीन रुक रुक के बीप दे रही है। इसमें वॉइस फीचर भी है, अगर ऑन करके रखेंगे तो बोल के भी बताएगी मशीन। ये आपका नकली नोट है, इसको निकाल लेंगे काउंटिंग को कम्प्लीट करने के लिए रेड की तरफ से ही। टोटल वैल्यू बता रहा है 150 पीसीस बता रहा है और 100 के 50 नोट हैं। जूम करके आप देखेंगे 100 के 50 नोट हैं और 20 के 100 नोट हैं, ठीक है। टोटल 150 पीसीस टोटल अमाउंट, ठीक। और इसमें आपको चार सेंसर मिल जाते हैं, MG UV MT IR, साथ में 3D कलर भी है। साइड में आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको साइड में भी डिस्प्ले मिल जाएगा, 150 पीसीस टोटल वैल्यू, ठीक है। मेन चार एक्स्ट्रा की पैड के साथ, इनके साथ भी आप मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं जो फ्रंट पे दिए गए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार दोबारा से आपको मैं वैल्यू और फेक नोट डिटेक्शन चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक, इस तरीके से आपका मशीन इंडिकेट करेगी और ये मशीन आपका नकली नोटों को गिनती में नहीं लेती। अगर वो इस फीचर आपको बंद करना है तो आप स्टार्ट प्लस वो इससे बंद कर सकते हैं, इसको प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे तो बंद हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि कोई वॉइस नहीं आया, ये तब जैसे ऑफिस में डिस्टर्बेंस हो तो आप इसको वॉइस को क्लोज कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें, सबसे पहले देखते हैं काउंट मोड कि आपको नकली नोट डिटेक्ट नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा नकली नोट है तो इसको मैं काउंट मोड एक्टिवेट करूंगा। पहले तो क्लियर कर लेते हैं, काउंट मोड एक्टिवेट हो गया। काउंट मोड में क्या है, सारे सेंसर बंद हो गए आपके सारे के सारे, अभी कोई नकली नोट को नहीं रोकेगी, ठीक है। जैसे स्पॉइल नोट वगैरह काउंट करने हो उसमें आप काउंट मोड में कर सकते हैं, ठीक है। एक से एक पीस काउंट करके बता दिया जैसे उस मशीन में बता रहा था, लेकिन नकली नोट डिटेक्ट करना तो टोटल मोड में काउंट कीजिए और आपका नकली नोट रुक जाएगा, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेंगे। अब आते हैं बैज बनाने का फंक्शन, ठीक है। बैज बनाने के लिए आपको यहाँ बैज प्रेस कर देना है, लेकिन उसके लिए पहले इसमें काउंट मोड में आना है क्योंकि बंडल एक ही तरह के नोटों का बनता है, तो काउंट मोड पे आ जाएंगे। पहले का क्लियर कर दिया, बैज प्रेस करेंगे तो 100 का बैज आएगा। यहाँ मैं 150 नोट इंसर्ट करूँगा जैसा उस मशीन में करके दिखाया था, तो 100 नोट जो 20 के हैं वही काउंट होंगे, ठीक। बाकी बचे नोट 100 के। अब मान लीजिए इसमें 25 का बैच बनाना, इसमें डायरेक्ट नंबर दिया गया 25 सेट कर दिया और चार बार में 25-25 के बैच बन जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक। अब आगे चलते हैं, ऑटो मैनुअल का फीचर देख लेते हैं। पहले हम बैच को करते हैं क्लोज, काउंट बंद कर देते हैं, टोटल पे आ जाते हैं डायरेक्ट। अभी मशीन हम ऑटो पे चल रही थी, मैनुअल से हम मैनुअल पे आ जाएंगे। नोट आराम से रख लीजिए नए यूजर्स के लिए, स्टार्ट रेट से आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आगे बैच बना बता दिया मैंने, ऑटो पे आना तो ऑटो का बटन दिया गया, ऑटो पे आ जाएगी मशीन, नोट डालते ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐड का फीचर यहाँ दिया गया है, ऐड में क्या आप सर लगातार सम कर सकते हैं, इसमें वैल्यू भी ऐड होता रहेगा साथ के साथ, ये 200 नोट हो जाएंगे। एक बार और देखते हैं, 300 हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम करेंसी मोड है, इसमें आपको US डॉलर काउंट एंड डिटेक्ट के लिए मिल जाएगा, यूरो मिल जाएगा, इंडियन रुपीस मिक्स के साथ। और मोस्ट एडवांस फीचर इसका सॉर्टिंग का, उस मशीन में देखिए आपका सिर्फ नकली नोट को रोक रही थी, अगर इस गड्डी में इस 100 की गड्डी इसमें मैं एक 20 का रियल वाला नोट मिला देता हूँ तो ये मशीन उसको नहीं रोकेगी, सिर्फ नकली नोट को रोकेगी, 51 पीसीस बता देगा, ठीक है। तो इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि एक नोट कम अमाउंट का है।
और मिक्स नोट काउंटिंग मशीन में क्या है, टोटल मोड में आपका चल रहा है तो यहाँ आपका अमाउंट में डिफरेंस आएगा, तो आपको पता चल जाएगा एक नोट कम अमाउंट का है क्योंकि 5020 हो रहे हैं, 150 के होते तो 5100 रुपये होते। तो इसमें छाटना कैसे है, सॉर्टिंग का बटन है, सॉर्ट ऑन कर दिया, अब कोई भी डिफरेंट नोट होगा तो जैसे नकली नोट को रोकती है मशीन, नोट असली होगा लेकिन डिफरेंट डिनोमिनेशन का होगा तो उसको रोक देगी। इस तरीके से आप नोट छाट सकते हैं। तो आई होप दोनों मशीनों के बीच का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। और मशीन को ख़रीदने के लिए आप हमें सामने दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट aksautomation.com पे दोनों मशीन उपलब्ध हैं, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट लाइव प्राइस आप ले सकते हैं। बेस्ट प्राइस के लिए हमें कॉल या व्हाट्सएप कीजिए और अदर मशीन के मॉडल भी हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश।